नमस्कार भैया बहनी, अपना परिचय देख रहे हैं विराट के बघेले बुलेटिन पूजा के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर में ही मद्यपान निषेध सप्ताह दिवस मनावागा। इस दौरान नशे से बचावे के लाने युवान का दलदल में फंसे के रोके के साथ साथ अच्छा असर देव पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में ही डॉक्टर इलैया राजा टी मौजूद रहे, जो उनके लोगों से अपील करें कि नशे के हालत में गाड़ी न चलावा, आसपास रहने वाले लोगों का ही नशा ना कराए के सलाह दे। जिनका नशा की आदत लग चुकी है उनका नशा मुक्त करावे खातिर कई अच्छे संस्थान खुले हैं, जो उनके अच्छा काम कर रहा है, उनके मदद से नशा मुक्त कराए में सहयोग करा। हर वार्ड में सदस्य बनाएंगे, अगले 3 साल में 2 लाख मेंबर नशा मुक्त भारत अभियान में जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है, जो अगले 3 साल तक कंटिन्यू चलता रहेगा। आज हमारा नौजवान को जब तक है ना हासिल करने तक है ना उस लक्ष्य को पीछे पड़ना है, पूरी लाइफ को पूरी जिंदगी को उस लक्ष्य को पीछे समर्पित कर देना चाहिए उस लक्ष्य को हासिल करने तक का। ऐसे कुछ लोग हैं, मतलब उन सभी को ना आपका ना पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ, कोई रहे ना रहे, कोई हो ना हो, मतलब लगातार इस काम में ना आप लोग लगे हुए हैं। बट क्या ये पर्याप्त है? डेफिनेटली पर्याप्त नहीं है, बिकॉज इसकी स्प्रेड है बहुत ज़्यादा है, इसको पूरा गांव गांव मतलब है ना गली गली। रीवा माही एक सप्ताह से बम के दहशत सबका हैरान करे हबे। अपना को बताई दी कि आम जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन अब आश्चर्य में हबे। आए दिन रीवा जिला के अलग अलग जगहन में बम मिले के खबर मिला थी, जोरे की वजह से लोग अब दहशत में जी रहे हैं। नकली बम कहां से आबा, को ले आबा, कहां रखा जाए वाला है या फिर एकर का मकसद है, ये घटना में ही पुलिस अब तक कोनो जानकारी हासिल नहीं कर पाए। जबकि ऐसा हरकत करे वाले के सूचना दे के लाने पुलिस 10,000 रुपया के इनाम घोषित करे हैं। एक बावजूद अब कोनो मेर के सुराग नहीं मिलत दिखा लगा। ये क्या इसी तरह से डिवाइस मिली है, उसमें सर्किट वगैरह कुछ नहीं था और कुछ कारवा नहीं था, कुछ बैठी नहीं थी, कैसे पड़ा हुआ था अपना टाइप का था, डाउट हुआ लेकिन भी और गाड़ी वगैरह उसको बंद कर सकते हैं। पीडीएस टीम को भेजा है, पीडीएस टीम चेक कर रही है, उसके बाद में रिपोर्टिंग करेगी। इसके पहले सर फ्लाईओवर के नीचे मिलता है, वर्किंग पे मिला है क्या? ऐसा लग रहा है कि पुलिस की सक्रियता को देखते हैं और संदिग्ध व्यक्ति है, डर के कारण भेजा गया है, तैयारी नहीं कर पा रहा है, बनाता था। बुलेटिन के अगली खबर नई गढ़ी थाना क्षेत्र के देवरी सगराम गांव पंचायत के लंगरपुरवा से हबे, जहां ट्रक चलावे के काम करे वालेन का वो समय मार देगा जब वो अपने गांव जात रहे। गांव वही सड़क के किनारे आवारा कुत्ता के बच्चा ट्रक के नीचे आएगा, जोने माँ कुत्ता के बच्चा के मौत हो गए। जोने के बाद बरोहा के रहने वाले छोटू पटेल संदीप पटेल राजकरण विश्वकर्मा के घर में घुस के उनके साथ जम के मारपीट करी, जोने माँ बुरी तरीके से घायल हो गए। परिजन आरोपी से गुहार लगावत रहे पर कोनो मेर के रहम आरोपी नहीं दिखाई। वह मृतक के पत्नी बताएं कि आरोपी रात डंडा के साथ है बेल्ट से पिटाई करी, उसके बाद उनका फांसी में झुलाए दिन। वह पूरे मामले की जानकारी नई गढ़ी थाना पुलिस का दीन गए तो मौके पर जाके पुलिस पंचनामा तैयार करी, पर परिजन ये बात मारे रहे कि जब तक आरोपी का गिरफ्तार ना करावा जाए तब तक पोस्टमार्टम ना हो। का कैसन घटना है? का गाड़ी लेके आए, उन्हीं के पीछे पीछे इन लोग आए, फिर इनको मारने लगे, गुल्ले गुल्ला मारे, फिर घसीट के अंदर लेके आए, यहाँ भी मारे, फिर फांसी में लटका के चले गए। हमको बोलेगी तो तेरे को भी काटेंगे। कौन कौन मारपीट करने में थे? तो छोटू और संजीव नाम है। आपने देखा था मारपीट करते समय? हम यहीं पे पकड़ने जा रहे थे तो हमारे पास आ रहे थे लपट के मारने के, तू बोलेगी तेरे को भी मारेंगे। कहाँ से मारपीट किए हैं? गुल्ला लिए थे। थाना क्षेत्र में घटना घटी, इसमें लंगरपुरवा का रहने वाला एक राजकरण विश्वकर्मा है, 28 साल की उम्र होती है, ट्रक चलाता है। कल दोपहर में 1 बजे के आसपास से ट्रक लेके अपने गाँव आ रहा था, रास्ते में गाँव बरसा बरोहा करोहा गांव से जब ये पार हो गया तो जब ये घर पहुंचा अपने, तो घर में इसका पीछा करते करते एक लड़का पहुंचा छोटू पटेल नाम से, जिसने बताया कि तूने अपने ट्रक से मेरे कुत्ते के बच्चे को कुचल दिया है, मार दिया।
तो इस बात को लेकर कुछ बहस हुई कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैं क्या करूँ, इस तरह से कुछ मृतक से उनकी चर्चा हुई जैसा कि जानकारी में लग रहा पुलिस की प्रथम घोषणा। इसके बाद क्या हुआ कि छोटू पटेल ने अपने एक साथी संदीप पटेल को ही बुला लिया वहाँ मौके पर, और इस बात को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ और उसके बाद हल्की फुल्की झूमा झटकी मारपीट हुई, जिसमें संदीप पटेल ने उनको थप्पड़ मार दी और छोटू पटेल ने को एक पटिया जो उसके पैर में लगा वो मार दिया। इसके बाद वो जो मृतक है वो अंदर की तरफ चला गया। घटना के समय पर घटनास्थल पर मृतक का पिता, उसकी माँ और उसकी पत्नी तीनों मौजूद थे जब ये घटनाक्रम चल रहा था। उसके बाद मृतक अंदर चला गया और घर के लोग उससे बातचीत करने लगे, तो मामला कुछ जब निपटता और इसके बाद उसकी पत्नी जब जाती अंदर, देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण पत्नी ने दरवाज़ा पीटा और फिर उसके बाद जिस तरह से धक्का वक्का देकर तोड़ा गया दरवाज़ा, ऐसा दिखाई देता है घटनास्थल पर। हमारी एफएसएल टीम ने इसका विजिट किया जिससे तथ्य निकल पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था जिसको धक्का देकर तोड़ा गया, पत्नी के द्वारा ही बताया गया था कि ऐसा हुआ था। उसके बाद जो मृतक था फांसी के फंदे से लटकते हुए पाया गया। फिर क्या वजह थी कि वह हत्या कर दिया? ये जो आरोपीगण हैं जो जब इसको मारपीट कर रहे थे, इसको मतलब कुछ निश्चित रूप से जब विवाद होता है कुछ कहा सुनी होती है, उन्हीं की प्रताड़ना से परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या की, ऐसा पुलिस की प्रथम विवेचना में आया है। पुलिस इसमें 306 का प्रकरण दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को भी पूछताछ हेतु अभिरक्षा में ले रखा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन के अगले खबर बिछिया थाना क्षेत्र से है, जहां बिछिया पुलिस सोने आवास और दुकानन के ताला तोड़ के सोने चांदी के जेवर चुरावे वाले दो बदमाशन का गिरफ्तार कर ली है। जोने से काफी मात्रा में ही गहना और जेवर और बरामद की इनके हम। अपने बताया दी कि 25 जनवरी के रात में ही बदमाश फरियादी अनिल कुमार वर्मा के जो उनके चिरौला कॉलोनी के रहने वाले रहे, उनके घरे में घुस के चोरी करी। जोने की शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला का पंजीबद्ध करे रहे। वह मुखबिर के सूचना में रीवा पचमठा गोवर्मा स्टाफ के साथ दबिश दई के संदेही रेहान रजा अंसारी और राजा कोल का गिरफ्तार करें। बतावा जा रहा है कि दोनों बदमाश पूछताछ में अपन आरोप कबूल करी नहीं बे। ये दोनों आरोपी शहर के सातिर बदमाश बताए जा रहा हमा। जोने में ही आरोपी रेहान रजा अंसारी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, चोरी और नकबजनी के अवैध आर्म्स रखे के 14 मामले, तराजा कोल के खिलाफ चोरी नकबजनी के 5 मामला दर्ज करी है। वह बदमाशन से पुलिस करीब 3 लाख रुपया के कीमती सामान बरामद करी। तो भैया बहने आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर देखे के लाने देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।